शातिर बदमाश और सूदखोर महादेव पहलवान उर्फ महादेव अवस्थी के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराने वाले लगातार सामने आ रहे हैं। कंचन विहार विजयनगर में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने महादेव पहलवान के विरुद्ध एक और आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की माने तो आवेदक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी महादेव पहलवान ने डरा धमका कर उसकी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कम कीमत पर अपने नाम करवा ली थी। शातिर बदमाश और सूदखोर महादेव पहलवान के कारनामे लगातार पुलिस के सामने उजागर हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने विजयनगर निवासी दीपक सुहानी की शिकायत के आधार पर सूदखोर महादेव पहलवान के विरुद्ध एक और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस के मुताबिक दीपक सुहानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि तमरहाई चौक पर महादेव पहलवान के घर के पास उसकी पैतृक संपत्ति थी। महादेव पहलवान और उसके गुर्गों ने धमकाकर उससे कम कीमत पर प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने महादेव पहलवान उर्फ महादेव अवस्थी के विरुद्ध धारा 386, 294 और 506 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। महादेव पहलवान उर्फ महादेव प्रसाद अवस्थी के विरुद्ध कल एक और शिकायतकर्ता दीपक पिता उमाशंकर सुहाने के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि महादेव पहलवान के जस्ट बगल वाला जो प्लाट नंबर 396 नया नंबर उसका है 1137, इस प्लाट की रजिस्ट्री महादेव पहलवान के द्वारा ज़बरदस्ती दम देकर कम कीमत पर अपनी मर्जी के दामों पर फरियादी दीपक सुहाने से करवाई गई। उसके द्वारा पिछले कई वर्षों से शिकायत की जा रही थी। कल वो पुनः थाना उपस्थित हुआ, उसकी शिकायत पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। NSA के तहत जेल भेजे गए महादेव पहलवान के काले कारनामे लगातार पुलिस के सामने उजागर हो रहे हैं।